तो मैं हूं गुरु नितेश और आज आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ए पार्क इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हैज सी इक्वल्स टू 90 डिग्री ए बी बराबर 9 मीटर बी सी बराबर 12 मीटर सी डी बराबर 5 मीटर ए डी बराबर 8 मीटर हाउ मच एरिया डज इट ऑक्युपाइड। यहां सी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है ना, तो आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल है तो ये किसी भी तरह का होगा, चार साइड होगा, ठीक है। लेकिन सी 90 डिग्री होगा, सी बराबर 90 डिग्री, तो हम ए बी सी डी कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं ए बी बराबर दिया हुआ है 9 मीटर, ये 9 मीटर है। बी सी बराबर दिया हुआ है 12 मीटर, ये 12 मीटर है। सी डी बराबर दिया हुआ है 5 मीटर, ये 5 मीटर है। और ए डी बराबर दिया है 8 मीटर, ये 8 मीटर। अब आपको एक जैसा दिख रहा होगा लेकिन ये एक्चुअली में एक जैसा होगा नहीं, है ना। तो इसको अगर आप बनाइएगा 5 मीटर 8 मीटर, तो ऐसे आप मिला दीजिए 8 मीटर हो जाएगा, ये डी 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 90 डिग्री है तो इससे हम इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बन गया और ये दूसरा ट्रायंगल बन गया। चूंकि हीरोन्स फार्मूला का यूज करके इन सब का एरिया निकालना है आपको, तो आप हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं। अब हीरोन्स फार्मूला के लिए आपको चाहिए बीडी, है ना। तो बीडी निकालने के लिए आपको क्या लगाना होगा, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। इन ट्रायंगल ट्रायंगल बीसीडी, है ना, बीसी बराबर है 12 मीटर, सीडी बराबर है 5 मीटर और बीडी आपको निकालना है। बीडी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा साइड जो है वो बीडी है, इसका मतलब हाइपोटेनस है। तो इसका मतलब बीडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, इसका मतलब 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मतलब 144 प्लस 25, इसका मतलब बीडी स्क्वायर बराबर 169, इसका मतलब हो गया बीडी बराबर रूट अंडर 169 इक्वल्स टू 13 मीटर, है ना। बीडी बराबर क्या हो गया, 13 मीटर। तो ये आपका 13 मीटर हो गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया, इसमें 90 डिग्री है तो आप 1/2 मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी बराबर आप निकाल सकते हैं 1/2 इंटू बी सी इंटू सी डी। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 12 इंटू 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारा डाटा मीटर में दिया हुआ है। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDA, है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, BA बराबर है आपको 9 मीटर, BD बराबर है 13 मीटर, है ना, और AD बराबर है 8 मीटर। तो हम जानते हैं S निकालेंगे, S बराबर A प्लस B प्लस C by 2, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 13 प्लस 8 by 2, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 9 22 प्लस 8 30 by 2 बराबर हो जाएगा 15 मीटर। और एरिया निकालेंगे तो रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 15 इंटू 15 माइनस 9, तो 15 माइनस 13 इंटू 15 माइनस 8, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 15 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 8, इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा 7। तो ये हो जाएगा आपको, इसको तोड़ देंगे हम लोग, है ना, 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। तो ये 3 कॉमन हो गया, है ना, तो 3 बाहर निकल जाएगा, 5 दो 10 70 3 रूट 70 मीटर स्क्वायर। अब टोटल का एरिया आपको निकालना है, है ना, एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो ये बराबर हो जाएगा, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी, तो ये हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर प्लस 3 रूट 70 मीटर स्क्वायर।
तो ये हो गया 30 मीटर स्क्वायर प्लस 3√70 मीटर स्क्वायर। अब आप चाहें तो इसका वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, इसको जब आप तोड़िएगा तो ये 35.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 35.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 65.5 मीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपको करना था। थैंक यू।